वेलकम टू द सिविल इंजीनियर। और आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं हाईवे टेस्ट सीरीज, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं आज। क्या चीज है वो टेस्ट आपके सामने है? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, एज पर आईएएस कोड 2386 पार्ट 4 के अंतर्गत आईएएस एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, जनरली एआईवी कहते हैं इसको, एआईवी कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई अपडेट्स मिल सकें, क्योंकि ये है द सिविल इंजीनियर विजिट। शुरुआत करते हैं कि भाई सबसे शुरुआत बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। भाई ये नया नाम सुन रहे हैं, भाई हम सिविल इंजीनियर हैं, भाई फिर भी हम नारे लिए नया है। एग्रीगेट के लिए हमने ग्रेडेशन सुना था, इम्पैक्ट वैल्यू नहीं सुना। तो भाई ये है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा एक टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है। इससे हम इम्पैक्ट वैल्यू, भाई सडन इम्पैक्ट क्या चीज होती है, सडन लोड, भाई हमने सीधा दिया और छोड़ दिया, कुछ लोड कुछ समय के लिए आया और छोड़ दिया, वो हुआ इम्पैक्ट। हमने किसी की छाती में मारा और छोड़ दिया, तो जो उस टाइम के लिए उसमें जो लगा था, ऐसे जो जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं वो रोड पे किस तरह की लोडिंग करते हैं, वो इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं। इसीलिए इम्पैक्ट वैल्यू निकालना बहुत जरूरी होती है एग्रीगेट की। भाई हमने जीएसबी की, सब बेस, सब बेस, सब ग्रेड, सब बेस, बेस और पीक्यूसी, भाई यही है आरसीसी की रोड का, ये ग्रेडेशन है, ये लेयर है। तो हमने क्या दिया कि भाई सब ग्रेड को मुरम की बना दी, बेल रोलिंग वगैरह कर दी। अब हमने सब बेस करना था, सब ग्रेड हो गया, सब बेस, सब बेस में जीएसबी की, जीएसबी में एग्रीगेट लगाया, एग्रीगेट का ग्रेडेशन किया। ग्रेडेशन के लिए भाई वो वाला टेस्ट भी हम आपको बताएंगे। और एक है उसकी इम्पैक्ट वैल्यू, भाई एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू अच्छी है कि नहीं है, ज्यादा एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू, और इसकी बेसिक और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहे। हम शुरुआत करते हैं भाई, अब एपरेटस की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई कौन कौन से एपरेटस की हमें जरूरत होती है। आपके सामने है भाई इम्पैक्ट टेस्ट मशीन। भाई ये क्या चीज है, इम्पैक्ट टेस्ट मशीन का आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, फोटो दिख रही है। ISO 2386 पार्ट 4 1963 के पेज नंबर 11 पे ये चीज दी हुई है, और ये इसका 3D, ये इसका 2D, ये सारी चीजें हैं। हम धीमे आगे डिस्कस करते हैं। एग्रीगेट टेस्ट हो गया, सिलेंड्रिकल स्टील कप जिसका 102 mm डाया और डेप्थ 50 mm होना चाहिए, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ये वाला जो कप दिखाई दे रहा है ये वो वाले कप की बात कर रहे हैं। दो कप होते हैं, एक सिलेंड्रिकल मेटल मेजर, ये 75 mm और 50 mm का एक एक्स्ट्रा कप होता है जिसमें हम सैंपल लेते हैं। और हैमर चाहिए, हैमर, हैमर अलग से नहीं आता, ये वाली चीज है, ये जो है इसी को हैमर कहते हैं। इसका 100 mm डाया होता है, 2 mm की चैम्फर एज के साथ में, इसका वेट होता है 13.5 to 14 kg, और ये रिलीज क्लू है, इसको खोल दो तो चालू हो जाता है। हैंडलिंग ये है लिफ्ट हैंडल्स, और एपरेटस में आते हैं वापस से, एसेसरीज ये लिफ्ट हैंडल्स, अभी हमने आपको बताया। 3 IS sieves की जरूरत पड़ती है, 12.5, 10 mm और 2.36 mm। स्टील मेटल टैम्पिंग रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 10 mm इन डाया एंड 230 mm लॉन्ग रॉड एट वन एंड, ठीक है। और एक बैलेंस, ये सेंसिटिव बैलेंस चाहिए, ये भी भाई इसका सेंसिटिव बैलेंस का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बेहतरीन रोल है इसके अंदर, वो चीजें हैं। एक हमें चाहिए थर्मो कंट्रोल ओवन कंटेंट ए टेम्परेचर ऑफ 100 to 110 degree, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल ओवन जो मेंटेन कर सके टेम्परेचर ऑफ 100 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एपरेटस हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीट्स हैं जिसके लिए हमें ये परफॉर्म करने वाले हैं, और ये रहा हमारा प्रोसीजर। पेज नंबर 11 आईएस कोड की पार्ट 4 पेज नंबर 11 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। भाई टेस्ट सैंपल को शुरुआत करते हैं, तो हमने उनने सबसे पहले क्या बोला, 12 mm द एग्रीगेट, समझना है आईएस कोड की लैंग्वेज को समझो, ये थी तो है इंजीनियर्स आईएस कोड को समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। द टेस्ट सैंपल शुड कंटेन एग्रीगेट द होल ऑफ विच पास 12.5 mm, भाई 12.5 mm से पास होना है, मतलब इसको ऊपर रख दो आईएससी एंड रिटेन, रिटेन मतलब नीचे रख दो 10 mm की, तभी तो जाके रिटेन करेगी।
और हमारा जो सैंपल है इसके ऊपर डालो, उसको सेक करो। ये इसका प्रोसीजर में ये लिया और शेक करना स्टार्ट किया नीचे नहीं। भाई जो एग्रीगेट लिया ये वाली चीज, इसको ध्यान रखना है भाई, ये ऐसा ना हो कि ये गीली एग्रीगेट हो। गीली हो तो उसको ओवन में रखो 4 घंटे के लिए। आइस कोट बोलता है कि 4 घंटे के लिए इसको ओवन में रखो, 100 डिग्री, 100 to 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेन करना है, एंड उसके बाद में उसे ठंडा कर लो। अब क्या है नेक्स्ट, अब एक मेजिंग सिलेंडर जो अलग से कफ था, जिसका डाया था 75 mm और डेप्थ थी 50 mm के कप की, अब उसके साथ में क्या करना है, उसमें भरना है वो सैंपल जो 10 mm की सीव में जो रिटेन हो गया ना उसको भरना है, और 25 स्ट्रोक लगाने हैं हल्के हल्के टैंपिंग रॉड के, 10 mm की जो 230 mm लॉन्ग जो टैंपिंग रॉड थी उसी के। और आगे बढ़ते हैं और देखो ये इसको 3 लेयर में भरना है, ये भी है द मेजर सेल वी फिल्ड अबाउट 1/3, बस हो गया काम, 1/3 विद द एग्रीगेट एंड टैंपिंग विद 25 स्ट्रोक्स ऑफ द राउंडेड एंड ऑफ द टैंपिंग रॉड, ये काम हो गया। ये भाई भरने का तरीका बता दिया, यही तो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। हमने 25 रॉड दिए, 1/3 1/3 3 लेयर में भरी, और जितना उस में बना उस सैंपल का हमने वेट कर लिया कि भाई उस एग्रीगेट का वेट है भाई, पूरा कंटेनर का वेट करोगे तो उसके बाद में उसके जो बॉक्स का जो ओरिजिनल वेट है, वजन वेट है, वो चीज उसको माइनस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम बेसिक है, ये चीजों के लिए अलग से पॉइंट नहीं बनाते, नॉर्मल है, बच्चों वाली बात नहीं करते। और उसको वेट ए बोला, हमने सीट में गए और हमने उसको वेट किया, हमने देखा कि ये 100 mm है, 100 mm का वेट है भाई, 100 mm हमने कर लिया। और इसके बाद में टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट किया, टेस्ट प्रोसीजर, और हमारे पास में सैंपल आ गया, और जो हमारा 75 mm डाया का था, तो हमने अब एपरेटस का इस्तेमाल करना शुरू किया और इसके अंदर वो सैंपल डाल दिया और स्टार्ट हो गए। अब हमने यहाँ से एक क्लिप लगाया, यहाँ से इसको जैसे ही फ्री करेंगे और इसको थोड़ा सा इस हैंडल से इसको ऊपर करेंगे तो यहां से ये लॉक हट जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और ये हो गया फर्स्ट ब्लो, फर्स्ट ब्लो हो गया। चलिए अब क्या बोलता है भाई आइस कोट, कहता है कि भाई 380 mm फ्री फॉल होना चाहिए, 15 ब्लो करना है, 25 स्ट्रॉन्ग से भर दिया, प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया हमने, अब फ्री फॉल हो गया, 15 टाइम फ्लो करना है, और इसके लिए रेट बोल रहा है नॉट लेस देन 1 सेकेंड। ये लिखो, ये देखो 1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए कम से कम, और आगे बढ़े। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है एक और कि भाई हमने 15 बार किया तो उसका कुछ एग्रीगेट क्रस्ट हो गया, अब होता है मेन काम शुरू। आइस कोड के क्लूज नंबर 4.44 में लिखा हुआ है कि भाई जो क्रस्ट मटेरियल है, जो फाइनली 15 ब्लो के बाद में जो क्रस्ट मटेरियल बचा, उसको 2.36 mm की सीव से छान। अब छानना शुरू किया तो हमने देखा कि कुछ चीजें पास हो रही होंगी और कुछ चीज रिटेन हो रही होंगी, तो आईएस कोड बोलता है ये नॉर्मली है, हम कैलकुलेशन बेसिस पे कर सकते हैं। और इसके लिए हमने किया कि वेट ऑफ द फ्रैक्शन रिटेन ऑन 2.36 mm, भाई हमने 2.36 mm पे रिटेन किया तो हमने देखा कि कितना रिटेन हो गया, हमने कहा कि 50 ग्राम, 50% से ज्यादा यदि हम बोलें तो 70 ग्राम रिटेन हो गया, अच्छी क्वालिटी का था, और रिटेन हो गया तो पास होना चाहिए 30 mm, यही है। ये तो थ्योरेटिकली आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको भी बीट करना है, पास कर गया, पास वाला जो रिटेन हो गया उसको बीट कर लिया, तो ऐसा नहीं करना कि भाई अब पास का हम इसमें से माइनस करके निकाल देंगे, नहीं, हमें उसको भी वेट करना है इन केस कि यदि वो हमारा जो वेट मशीन यदि ठीक नहीं हुई, उसकी सेंसिटिविटी जो 0.1 ग्राम की है वो भी चेक करनी है, तो उसको भी चेक करना है। और यदि ये 29 ग्राम आता है, यदि 29 ग्राम आता है तो आइस कोड कहता है कि भाई 1 ग्राम का कुछ नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, एक्यूरेसी ऑफ 0.1 ग्राम बोला था तो 1 ग्राम ऊपर नीचे होता है तो हम कर लेंगे। इसमें देखो यहां से लिखा है द लेस देन इनिशियल वेट ए बाय मोर देन 1 ग्राम, यदि 1 ग्राम से ज्यादा होता है तो द रिजल्ट शैल बी डिस्कार्डेड एंड द फ्रेश टेस्ट मेड, और नया टेस्ट करना है, 1 ग्राम तक का मैनेज कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं करना, और मिनिमम 2 करना है, और हम लोग साइट पर टेस्ट रिजल्ट्स को और एक्यूरेसी के लिए 3 टेस्ट करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है भाई, हमारी सीट सीट को लेके आओ, ये रही सीट, और हमने देखा कि 29 आया, ठीक है ओके चल ले दो। और अब हमें एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू का यहां से एक टेस्ट निकल गया, ये इसको टेस्ट कहते हैं, हमने आरसीसी में पढ़ा है, टेस्ट लगाना हमें बहुत अच्छे से आता था, तो भाई इसके लिए भी एक टेस्ट है कि भाई एक आराम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये वेट मशीन और जो तुम्हारी एक्यूरेसी है उसके लिए।
और आगे बढ़े एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू के लिए, ये रही हमारी ये है बी अपॉन ए। बी क्या था भाई, सीट में गए, जो हमारा बी था बी को उठाया 29, बी अपॉन ए ये किया। इसमें हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये भी आप देखेंगे तो जी ए 12 और वगैरह वगैरह, तो 29 बी अपॉन ए इंटू 100 किया तो 29 आ गया। तो ये हो गई हमारी एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। हमें एक सैंपल और लेना है, हमने मल्टीपल तीन सैंपल लिए हो, एक बार 50 एक बार 70 का सैंपल और 30 40 19 29 एक एक का है, दैट्स ओके, ये परमिसिबल था। तो ये आगे बढ़ गए यहाँ से 3841 और इसका एवरेज निकाल दिया डिवाइडेड बाय 3 करके, तीनों को ऐड किया 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 ये इम्पैक्ट वैल्यू। तो ये जो है ये एवरेज एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, ये अब आपके सैंपल की इम्पैक्ट वैल्यू निकल आई और इसी तरह से ये टेस्ट संपन्न हो गया। तो एक चीज और, हमने आपसे बोला था कि आप इसको अंत तक देखें और क्या चीज है वो चीजें देखो, हमें भाई रिजल्ट आ गया भाई शो कैसे करना है। तो उसके लिए भी आई स्कोर बड़ा सिंपल सा है, 4.6 में लिख दिया कि द मीन ऑफ टू रिजल्ट शैल बी रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट होल नंबर एस ए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द टेस्टेड मटेरियल। अब हमने टेस्ट कर लिया, तीन टेस्ट कर लिए भाई, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए क्या लॉजिक क्या है, अब चीज है जो मैंने जिसके लिए हमने आपसे वादा किया था कि आपको अंत तक देखना है। ये चीज है कि जितनी इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा आएगी, जितनी इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब है कि आपका जो मटेरियल है उतना ही खराब हो रहा है, बस यही है। द इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, इसका कंक्लूजन है, इसे ही ध्यान रखना है, यही लॉजिक है एक एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर में। और यही चीजें आपको हर वीडियो के साथ में मिलेंगी और आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ समझ में ना आया हो तो अपने हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज बताएं, हम उसके लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। और थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, टाटा बाय बाय।